देखें, इंच टेप से आपको बता देती हूँ, यहाँ से हमने फंदे घटाना स्टार्ट किए थे। तो इस तरह से रखेंगे अपना इंच टेप और इस तरह से नापेंगे, खींचना नहीं है आपने। तो ये देखें 6 इंच से ज़्यादा है, 6.5 इंच तक है, तो आपने इतना बना लेना है। और इसकी सारी जो लेंथ है ये देखिए 15 इंच तक है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 38 फंदे डाले हैं और 5 फंदे यहाँ पर बढ़ाए हैं, और उसके बाद हर 6th रो में 6ठी सिलाई में फंदे को बढ़ाया है यहाँ तक। तो टोटल फंदे यहाँ पर तो टोटल जो है 56 फंदे हो गए हैं। तो फ्रंट पार्ट में हमारे 60 फंदे हैं, तो ये बाजू में 56 फंदे काफ़ी हैं। तो देखें किस तरह से बनाना है शुरू से। तो यहाँ पर मैंने डिज़ाइनर बॉर्डर डाल के ये दोनों साइड से उल्टी उल्टी रो बनाई हैं, तो टोटल 10 सिलाइयाँ बनाई हैं। तो हमें ये सीधी साइड से ये देखिए 5 रो दिखेंगी, लाइनें 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल दोनों की गिनेंगे तो 10 सिलाइयाँ बनाई हैं। अब देखें किस तरह से फंदे बढ़ाने हैं वो आपको बता देती हूँ। तो इस रो में हमने 5 फंदे बढ़ाने हैं, तो ये सीधी साइड है, ध्यान रहे सीधी साइड में बढ़ाने हैं। अब यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे, देखिए इस फंदे को बुना, अब इसी फंदे को बैक लूप से बुनेंगे, तो हमारा एक फंदा बढ़ गया है। अब बना लेंगे 5-6 फंदे और फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से। एक फंदे को 2 बार बनाना है, एक बार आगे की साइड से बुनेंगे, एक बार बैक लूप से बुनेंगे ऐसे। तो हमारा एक फंदा ये बढ़ा, उसके बाद ये बढ़ाया, उसके बाद यहाँ पर बीच में बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर, फिर ये लास्ट में, सेकंड लास्ट में बढ़ाएंगे। तो फिर से बना लूँगी 5-6 फंदे, आइडिया से ही बना लेंगे। तो अब फिर से एक फंदा बढ़ाना है और इस तरह से एक फंदे को 2 टाइम बुनेंगे, तो हमारा ये एक फंदा बढ़ जाता है। अब फिर से 5 फंदे बढ़ा लूँगी, सॉरी बना लूँगी, 5 बना लीजिए, 6 बना लीजिए, उसके बाद फिर से एक फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ पर फिर से एक फंदे को 2 बार बनाऊँगी, एक फंदे को इस तरह से बुना और बैक साइड से फिर से बुना ऐसे। अब लास्ट में बढ़ाएंगे एक फंदा, ये देखिए इस फंदे को 2 बार बुनेंगे, एक बार इस तरह से बुना, एक बार बैक लूप से बुना, ये देखें ऐसे, और लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे। तो गैप में मैंने फंदे जो हैं 5 बढ़ा लिए हैं। अब उल्टी साइड से उल्टा बुन लेंगे और सीधी साइड से सीधा बुनेंगे। तो अब बना लेनी है 5 सिलाइयाँ, उसके बाद 6ठी सिलाई में एक फंदा इस साइड बढ़ाना है और एक इस साइड सीधी साइड से। तो मैं उल्टी साइड से उल्टा बना लूँगी, पहला फंदा उतारेंगे, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब सीधी साइड से सीधा बुन लेंगे सभी फंदों को, पहला उतारेंगे और सीधा बुनेंगे। इस तरह से तो देखें उल्टी, जब फंदे बढ़ाए थे सीधी साइड, उसके बाद उल्टी सिलाई बुनी, उसे 1 गिनेंगे, ये 2 है, फिर से उल्टी 3 होगी, फिर से सीधी 4, फिर से उल्टी 5, और जब 6ठी सिलाई में आना है तब आपने एक फंदा यहाँ बढ़ाना है और एक यहाँ बढ़ाना है। तो मैं बना लेती हूँ टोटल 5 सिलाइयाँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अभी कोई फंदा नहीं बढ़ाना है आपने, ये देखें मैंने 5 सिलाइयाँ बना ली हैं। फंदे बढ़ाने के बाद आप यहां से भी काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। अब सीधी साइड
और अब आपने ध्यान रखना है ऐसे ही नेक्स्ट भी फंदे बढ़ाने हैं नेक्स्ट टाइम भी। देखिए पहला फंदा उतार लिया, इस फंदे को दो बार बुनेंगे इस तरह से। तो एक फंदा हमारा यहाँ बढ़ गया, तभी हमारी शेप आएगी। और 1 सेकंड लास्ट में बढ़ाना है, बीच के फंदे सिंपल सीधे बनाने हैं, कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। तो मैं यहाँ तक बना लूँ सीधी सीधी। ये देखें लास्ट में आ गई हूँ, दो फंदे बचे हैं, तो इस फंदे को दो बार बुनेंगे इस तरह से। तो एक फंदा हमारा यहाँ पर बढ़ गया। अब देखिए उल्टी साइड से बुनेंगे, एक रो फिर सीधी दो फिर उल्टी तीन फिर सीधी चार फिर उल्टी पांच। छठी सिलाई में फिर से आएंगे तो एक फंदा यहाँ बढ़ाना है जैसे बढ़ाया, और एक यहाँ बढ़ाना है। तो जब तक हमारे 54 फंदे नहीं हो जाते तब तक बढ़ाते रहना है, हर 6th रो में बढ़ाने हैं फंदे। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बाजू मैंने इतनी बना ली है, तो जितना मैंने यहाँ बॉर्डर से लेके यहाँ तक बनाया है उतनी बाजू बना लेनी है जहाँ पर शोल्डर की कटिंग की है। मैंने इसमें 2 सिलाइयाँ यहाँ कम रखी हैं और 2 सिलाइयाँ यहाँ कम रखी हैं, बाजू को थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे। ये देखें कम से कम 1 इंच तक मैंने कम रखा है, 4 सिलाइयाँ इसमें कम बुनी है मैंने। अगर आप बराबर रखना चाहते हैं तो बराबर भी रख सकते हैं। अब देखें कटिंग करनी है और ये धारियाँ भी डालनी है, तो ये धारियाँ जो है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब यहां से घटाई भी स्टार्ट करेंगे जैसे बैक पार्ट में की थी। ये देखें 3 फंदे घटाने हैं, तो इस तरह से एक, ये दो और ये तीन, तीन दो एक की कटिंग ही करनी है। तो यहाँ 3 फंदे कम हो गए, बाकी के फंदे लास्ट तक सीधे बना लूंगी। उल्टी साइड से 3 फंदे फिर घटाने हैं। बना ली है मैंने सीधी रो, अब उल्टी साइड से यहाँ पर भी 3 फंदे घटाने हैं। तो इस तरह से 2 का 1 भी कर सकते हैं और एक एक करके भी घटा सकते हैं। तो पहला उतारा, दूसरा बुना, पहले को इसके ऊपर गिरा देंगे, इसे 1 गिनेंगे, नेक्स्ट बुनेंगे इसे 2 गिनेंगे, फिर से नेक्स्ट बुनेंगे और इसे इसके ऊपर गिरा देंगे। तो 3 फंदे हमारे यहाँ पर कम हो गए, बाकी के फंदे यहाँ पर उल्टे बना लूंगी। अब यहाँ पर 2 फंदे घटाने हैं, सीधी साइड में आ गई हूँ। देखिए पहले 3 घटाए थे, अब 2 फंदे घटाने हैं। और यहाँ पर व्हाइट कलर अटैच करेंगे, दो फंदे बना लिए और पिछले फंदे को इसके ऊपर गिराया, इसे 1 गिनेंगे, नेक्स्ट बुना, पिछले फंदे को इसके ऊपर गिराया, ये 2, तो 2 फंदे यहाँ पर कम हो गए हैं, बाकी के फंदे सीधे बना लूंगी। उल्टी साइड में फिर से 2 फंदे घटाएंगे, जैसे सीधी साइड में घटाए अब उल्टी साइड में घटाएंगे इस तरह से। 1 घट गया, नेक्स्ट बुना, पिछले फंदे को इसके ऊपर गिराया तो 2 फंदे, बाकी की रो उल्टी बना लूंगी लास्ट तक। अब सीधी साइड में अब 1 फंदा ही घटाना है, 2 इस तरह लेंगे फंदे, ये देखें 1 और 1, 2 इस तरह से लिए
और अपना रेड कलर लगाएंगे। दो फंदों को इकट्ठा बना लिया, तो एक फंदा हमारा कम हो गया। बाकी की रो जो है सारी सीधी सीधी बुनकर कंप्लीट कर लूंगी लास्ट तक। उल्टी साइड में फिर से दो फंदों को इकट्ठा बुनेंगे एक साथ ऐसे, तो एक फंदा यहाँ पर कम हो गया। ये देखिए 3 2 1 की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है दोनों साइड से। यहाँ सीधी साइड से 3 2 1 की और उल्टी साइड से 3 2 1 की। अब सभी फंदों को उल्टा बना लूँगी उल्टी साइड से। ये देखिए कटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है 3 2 1 और इस साइड भी 3 2 1 की। अब चाहो तो इकट्ठे ही फंदे बंद कर दीजिए, वैसे बाजू सही बनती है। मैं थोड़ा बना लूँगी तो देखें किस तरह से बनाएंगे। थोड़ी सी सेप जो है और दे लूँगी और देखिए किस तरह से बनाना है। तो बनाना मैंने काम ही है, 2 4 सिलाइयाँ बना लेती हूँ। तो अब वाइट कलर लगाना है, तो देखें एक फंदा यहाँ घटाएंगे इस तरह से, 2 का 1 कर दिया तो हमारा एक फंदा कम हो गया। बाकी का कोई फंदा नहीं घटाना है, एक फंदा उल्टी साइड से घटाएंगे लास्ट में। ये बाकी के फंदे सारे सीधे बुन लूंगी लास्ट तक। ये 2 फंदे बचे हैं, जैसे यहाँ पर 2 का 1 किया लास्ट में भी 2 का 1 कर देंगे ऐसे। तो हमारा एक फंदा यहाँ कम हो गया और एक यहाँ कम हो गया। अब उल्टी साइड से कोई फंदा नहीं घटाएंगे, पहला फंदा उतारा और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब सीधी साइड में फिर से यहाँ पर 2 फंदों का 1 कर लेंगे। और लास्ट तक बना लूंगी मैं सीधे फंदे, 2 फंदे यहाँ पर 2 का 1 कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ इसी तरह से, फिर आपको दिखाती हूँ। एक फंदा यहाँ घटाया, एक लास्ट में घटाया। अब उल्टी साइड में यहाँ पर भी एक फंदा यहाँ घटाना है और एक यहाँ घटाना है। तो इस तरह से 2 फंदे इकट्ठे बना लेंगे एक साथ और एक लास्ट में 2 का 1 करेंगे। तो मैं उल्टे बना लूँ, यहाँ लास्ट में 2 फंदों को इकट्ठा बना लेंगे एक साथ ऐसे। अब ब्लैक कलर लगाएंगे, जैसे धारियां ये डाली हैं वैसे 2 फंदे यहाँ घटाने हैं, 2 यहाँ, 2 उल्टी साइड में, 2 फिर से उल्टी साइड में। थोड़ा सा बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इतना बना लिया है। जब ब्लैक कलर लगाया था यहाँ पर तब 3 फंदे घटाए थे, फिर ये वाइट लगाया था 2 घटाए, रेड लगाए तो 1। तो 3 2 1 की कटिंग की थी, उसके बाद चाहो तो आप एक साथ फंदे बंद कर सकते हैं। मैंने हल्की सी सेप और दी है। तो उसके बाद जब वाइट कलर लगाया तो 2 का 1 किया, लास्ट में भी 2 का 1, उल्टी साइड से भी 2 का 1 और यहाँ भी 2 का 1 किया। फिर ब्लैक कलर लगाया, 2 का 1 किया, लास्ट में भी 2 का 1, उल्टी साइड में भी 2 का 1, यहाँ भी 2 का 1। इस तरह बनाते हुए ये वाइट भी कंप्लीट की और अब ये रेड जब लगाया तो 2 का 1 यहाँ किया, 2 का 1 लास्ट में किया। अब उल्टी साइड में है तो इतनी काफ़ी है ये कटिंग। अब सभी फंदों को एक साथ बाइंड कर देंगे। तो 2 का 1 बुना, फिर से लेफ्ट नीडल में डाल के 2 फंदों को इकट्ठा बुना। उल्टी साइड है तो उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से बाजू की शेप आई है और इसकी लेंथ जो है यहाँ तक ये 10 इंच तक बनी है सारी। बाजू की शेप हम इस तरह से देखेंगे तो ये हमारे बाजू की शेप आई है, इस तरह से दिखेगी आपको बनने के बाद। तो ज़रूर ट्राई करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें वीडियो को, पास में घंटी का बटन है ज़रूर प्रेस करें न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।